हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली मैं लेकर आई हूं बेसन की बर्फी, वो भी मार्केट जैसी बिल्कुल सॉफ्ट बिना मावा के। इसे बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। बेसन बर्फी बनाने के लिए 200 ग्राम मैं यहां पर बेसन ले रही हूं। मैंने इसे पहले से छान लिया है। 150 ग्राम शुगर ली है, 8 से 10 मैंने पिस्ता लिए थे इसे काट लिया है, इलायची पाउडर लिया है और 100 ग्राम मैंने देसी घी लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई को पहले से गर्म कर लिया था, अब इसमें बेसन डालकर मैं भूनूंगी। अभी मैंने इसमें घी नहीं डाला है, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी। 1 मिनट मैंने भून लिया था बेसन, अब थोड़ा सा हम घी डाल देंगे। एक साथ हमें घी को नहीं डालना है इसमें फ्रेंड्स, और इसे बराबर चलाते हुए भूनेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे बेसन में। अब मैं इसमें सारा लास्ट में घी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके स्लो गैस पर भूनेंगे, जिससे हमारा बेसन अच्छे से भुन जाए और जले भी नहीं। आप देख रहे होंगे, ये देखिए घी छोड़ने लगा है बेसन। ये देखिए हमारा कलर चेंज हो चुका है, भुन चुका है बेसन। अब मैं कुछ सेकेंड करके इसे अलग रख दूंगी। मैं एक पैन में 1/2 कप पानी ले रही हूँ और मैंने जो 150 ग्राम चीनी ली थी वो डाल दूंगी, और इसकी हमें शुगर सिरप तैयार करनी है। मैंने जितनी शुगर ली थी जस्ट उसका मैंने 1/2 पानी ऐड किया है। ये चीनी हमारी पूरी तरह से घुल चुकी है, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक तार छूटा, यानी हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ, 1 ड्रॉप मैंने डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह हल्दी भी डाल सकते हैं, पर हल्दी की महक नहीं आएगी इलायची पाउडर पड़ने से। ये भी हमारा ठंडा हो चुका था, अब इसमें मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने स्लो रखा है। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके चाशनी जो मैंने शुगर सिरप तैयार किया था वो डाल रही हूँ और इसे मिक्स करेंगे। एक साथ मैं चाशनी इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मिक्स हो गई है चाशनी हमारी इसमें। अब मैं इसमें अपनी सारी चाशनी डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब हमें इसे 2 से 4 मिनट ही अच्छे से पकाना है। इसको बराबर चलाते रहिए फ्रेंड्स, ताकि ये तली में ना लगे। अब जमने वाली कंसिस्टेंसी हो गई है तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। मैंने ट्रे ली है, एक बॉक्स लिया है, उसमें मैंने अल्मोनियम फॉयल लगा दी। आप चाहें तो स्टील की प्लेट ले सकते हैं, थाली, कुछ भी। मैंने इसमें पहले से घी लगा दिया था, उसमें मैंने अपना बैटर डाल दिया है, ऊपर से कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर दिया मैंने। स्पून से हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे ये बाहर ना निकले। अब इसे ठंडा होने तक हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। बर्फी हमारी ठंडी होकर पूरी तरह से जम चुकी है, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अल्मोनियम फॉयल में अलग कर दूंगी इसकी। अब इसके हम पीस कर लेंगे बर्फी आकार में। आप अपनी पसंद के अनुसार डायमंड या स्क्वायर कैसे भी काट सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से कट रही है, कितनी ही सॉफ्ट बर्फी बनी है हमारी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बगल में लगी बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन के द्वारा मैं वीडियो डालूँगी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो लीजिए 1 कप बेसन में हमारी कितनी सारी बेसन की बर्फी झटपट से तैयार हो गई। तो आप भी इस दिवाली ज़रूर बनाइए और बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।
एक बार फिर से आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखने में जितनी अच्छी है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट। तो एक बार तो बनाना बनता है। आप चलिए मैं तोड़कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितनी आसानी से टूट गई। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।